गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। आज ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो जा रहे हैं सानी को नहलाने। नहला देते हैं इनको। तो चलो हाय कर दो बेटा। हाय, मैं मनोज कटू, फिर मिलते बाय। देखिए सानवी नहा के आ चुकी है। धूप भी बहुत कम निकला है, इतना हल्का धूप निकला है ना, पता ही नहीं चलता है क्या कि धूप निकला भी है या नहीं निकला है। तो ऐसे भी ऐसे ठंड के मौसम में धूप का पता नहीं चलता है। तो सानवी को नहला दिए हैं, और ये ऐसी है कि अगर जिस दिन नहीं नहलाना चाहते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं नहलाएंगे, छोड़ देते हैं, ठंड ज़्यादा है तो, बट परेशान करके रख देती है, मुझे नहाना है। तो इससे बेटर है कि मैं ही नहला देती हूँ मॉर्निंग में, इसी वजह से नहला देते हैं जल्दी, ताकि वो परेशान ना हो। अगर जिस दिन नहीं नहलाते तो पानी लेके नल में जाके खेलने लगती है। तो सानवी नहा धो के रेडी हो चुकी है। चलिए मैं भी नहा ली हूँ, मैं भी अब रेडी हो जाती हूँ। सानवी का रेडी हो गया है। और हम लोगों में सबसे नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है सिंदूर लगाना। और अगर सिंदूर लगाने का बहुत नियम माना जाता है, किस दिशा में लगाना चाहिए, किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, ये सब चीज़ माने रखता है। तो इतना कुछ नहीं बताएंगे, इतना कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एक खास बात, सिंदूर लगाते वक्त हमेशा भगवान का नाम लेकर के सिंदूर लगाना चाहिए। आज बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा, तो चलिए बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। और सानवी देखिए क्या कर रही है, देखिए क्या खा रही है सानवी। सानवी खा रही है मूढ़ी। क्या खा रही है बेटा? मूढ़ी खा रही है। तो चलिए ब्रेड पकौड़ा के लिए सारा कुछ रेडी है, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए आलू को उबाल के मिक्स कर लिए हैं, और आलू को फ्राई करेंगे। उसके लिए प्याज और लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ा फ्राई करते हैं। उसके बाद आलू को इसमें डाल के फ्राई करेंगे। तो हल्का फ्राई करेंगे, नमक ऐड कर देते हैं इसमें, तो हल्का आलू को फ्राई हो जाए। फिर इसमें ये देखिए बेसन भी हमारा रेडी है। बेसन और चावल का आटा, ये दोनों को मिक्स किए हैं। उसमें नमक और हल्दी मिर्च पाउडर सब कुछ डाल दिए हैं। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ये देखिए हम क्या क्या लिए हैं, ब्रेड सॉस, टमाटर सॉस और म्यूनिज। तो ब्रेड को हम काट लिए हैं ऐसे पीस के अनुसार से। उसमें एक एक पीस में लगाएंगे टोमेटो सॉस, तो दूसरे पीस में लगाएंगे उसमें लगाएंगे म्यूनिज। ये है म्यूनिज, इस म्यूनिज को लगाएंगे, म्यूनिज थोड़ा ज़्यादा करके लगाएंगे। तो अगर चीज़ भी डालने से होता है, बट मैं म्यूनिज लगा रही हूँ, तो चीज़ हमारे घर में अवेलेबल अभी था नहीं, तो ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से मैं म्यूनिज ही डाल रही हूँ। और अब इसमें डाल रहे हैं आलू का फ्राई जो किया हुआ था, वो आलू को इसमें डाल रहे हैं। अब इसको दोनों को एक साथ डाल दिए। उसके बाद इसको बेसन में, सारे को पहले इस तरह से रेडी कर लेते हैं, फिर बेसन में डाल के फिर करेंगे। तो सारा हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बेसन में इसको डालते हैं और फिर तेल में डालते हैं। ऑयल में डाले, ये देखिए हमारा पकौड़ा बन रहा है। और थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक फिर इसको पलटाएंगे हल्का, जब ब्राउन हो जाए मीडियम हीट में, ज़्यादा हीट देना नहीं है, नहीं तो जल जाएगा। तो हमारा ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी है। तो बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना, सबको बहुत अच्छा लगा खाने में। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।